एक तरफ जहां सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम करने की खुशखबरी आई, उसी तरफ एक बहुत ही बुरी खबर सामने आई कि असम जो है उसमें सीटेट क्वालिफाइड लोगों को प्रायोरिटी या इक्वालिटी भी नहीं दी जा रही, मतलब चांस भी नहीं दिया जा रहा। असम में जितने भी लोग जो स्टेट टेट पास नहीं कर रहे हैं अभी तक, उनके लिए ये एक बहुत ही बेकार खबर थी कि जिनको असम टेट जिन्होंने पास किया है सिर्फ उन्हीं को इस बार नौकरी के लिए आवेदन करने का चांस मिलेगा। जिन्होंने सिर्फ सी टेट किया है, असम टेट पास नहीं किया है, उनको चांस तक नहीं दिया जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे मेल आए हैं जो ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी आवाज उठाओ हमारे लिए, ताकि अगर संभव हो सके तो इस डिसीजन को वापस से मॉडिफाई किया जा सके और जो लोग सीटेट क्वालिफाइड हैं वो भी आसाम में क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। तो यहाँ बात क्या आती है, बात ये आती है कि देखो जितने भी स्टेट होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा अपने स्टेट के बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है अगर एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन यहाँ गलत बात क्या है, यहाँ गलत बात ये है कि पहली बात तो ये कि सीटेट की तरह आप हर साल जो अपना स्टेट टेट है वो करवाते नहीं हो, पहली बात ये, असम टेट करवाते नहीं हो। दूसरी बात ये है कि अगर बच्चे ने जो आपका असम टेट है वो पास ना करके, क्योंकि एप्लीकेशन आए ही नहीं थी इस वजह से उसने सीटेट पास कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि टीचर बनने के तो वो लायक है। तो अब यहाँ बात क्या आती है, यहाँ किया ये जा सकता है कि जो कैंडिडेट है वो असम का ही होना चाहिए, चाहे उसने स्टेट टेट दिया हो चाहे उसने सीटेट दिया हो, कोई एक क्वालिफाइड उसका होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो हो। ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आप ये कर सकते हैं कि असम टेट वालों को प्रायोरिटी दे दो लेकिन सीटेट वालों को चांस दे दो, एटलीस्ट इतना किया जा सकता है। तो यहाँ सिर्फ यही बात है कि जो मेरे पास कमेंट्स आए वो इस बात के लिए आए कि सीटेट वालों को चांस ना देकर सिर्फ असम टेट वालों को चांस दिया जा रहा है, और दिक्कत क्या है उन्हें कि हम असम टेट भी पास कर लेते लेकिन आप कम से कम एप्लीकेशंस तो निकालो। तो यहाँ दिक्कत सिर्फ यही है कि एटलीस्ट एप्लीकेशन निकालो भाई, अगर नहीं निकाल पाए हो, कमी अगर आपकी तरफ से रही है तो बच्चे उसका भुगतान क्यों करें। तो मैं ये चाहता हूं कि असम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको जस्टिस मिले। अगर उन्होंने असम टेट पास नहीं किया है, सीटेट पास कर रखा है लेकिन वो असम के ही हैं, तो उनको बराबर का चांस मिलना चाहिए। यहाँ बात क्या होनी चाहिए कि अपने स्टेट के लोगों को एटलीस्ट आप क्या दे रहे हो, जॉब दे रहे हो। सिर्फ इस तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए कि उन्होंने किस लेवल का टेट पास कर रखा है। ठीक। तो आज के लिए भाई यही मेरी बात थी, उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इस बात को समझेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मैं ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, लेकिन आप लोगों को कहता हूं जितने भी लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं वो सभी लोग जस्टिस फॉर असम टेट या जस्टिस फॉर असम सीटेट कैंडिडेट्स, इस टाइप का आप लोग हैशटैग चला सकते हैं और उनके लिए आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि जो सरकार है वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, उसे वही फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारे लिए सही होते हैं, और हमारे लिए क्या सही है वो हम आवाज उठाकर उन लोगों को बताते हैं। आवाज उठाओगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। बाकी मैं आप लोगों के साथ हूं, जहां भी जो कुछ भी संभव मुझसे हो पाएगा वो मैं आप लोगों के लिए जरूर करूंगा। मिलकर रहिए, जुड़े रहिए और एक दूसरे के लिए आवाज जरूर उठाते रहिए।